हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज बात करेंगे EDFC यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। इस रूट को सिर्फ फ्रेट ट्रेनों के लिए बनाया जा रहा है, जो लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होके दानकुनी वेस्ट बंगाल में एंड होगा नियर कोलकाता। ये रूट 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है लुधियाना खुर्जा सेक्शन। इस सेक्शन को लैंड की कमी की वजह से सिंगल लेन बनाया जा रहा है। इस सेक्शन का लेंथ है 365 किलोमीटर और ये फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड होगा। इस सेक्शन में अभी काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि मार्च 2022 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड सेक्शन है खुर्जा बानूपुर नियर कानपुर सेक्शन। ये रूट 351 किलोमीटर लॉन्ग है और डबल लाइन फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है। ये सेक्शन कम्प्लीट हो चुका है और वर्तमान में ऑपरेशनल है। थर्ड सेक्शन है बानूपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर सेक्शन। ये रूट 402 किलोमीटर लंबा है और डबल लाइन फुली इलेक्ट्रिफाइड है। यह सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और जून 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ सेक्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोननगर सेक्शन। ये रूट 137 किलोमीटर लंबा और फुली इलेक्ट्रिफाइड है। यह सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ सेक्शन है सोननगर दानकुनी नियर कोलकाता सेक्शन। ये सेक्शन 538 किलोमीटर लंबा और फुली इलेक्ट्रिफाइड है। यह सेक्शन वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन में है और कब कंप्लीट होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन सब के अलावा एक और ब्रांच सेक्शन है जो दादरी और खुर्जा के बीच में बनाया गया है। यह रूट 46 किलोमीटर लॉन्ग है और वर्तमान में ऑपरेशनल है। उम्मीद है 2023 तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूरा रूट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।